दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स कलेक्ट हो के ज़ाया हो रहा है उसको रोक लिया जाए, है ना। अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 10,000 है, 10,000 ही रहे लेकिन आपके अखराजात 5,000 हो जाएं, तो बात तो ठीक है ना। या 15,000 आपकी तनख्वाह हो तो तब आप गुजारा कर सकें, या अपने अखराजात कम कर दें तो आप 10,000 में भी गुजारा कर लेंगे। अब मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ यहाँ ये अर्ज़ करना कि ये जो इदारे हमारे, अगर जो डायरेक्ट टैक्स से ताल्लक नहीं लेकिन इकॉनमी से ताल्लक है इसका, जो हमारे इदारे हैं मसलन स्टील मिल है, PIA है और बेशुमार इदारे हैं इससे छोटे भी हैं, अगर इनकी हम प्राइवेटाइजेशन जो है जो प्रोसेस में है अगर वो हम जल्दी कर लें तो इसमें ये होगा कि हमें वो जो हम उनके ऊपर हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं उनको सब्सिडी देते हैं वो बच जाएगी। तो जब वो चीज़ बच जाएगी तो इसका मतलब वो हमारे ख़जाने में आ जाएगी एक किस्म की, यानी ख़जाने से जाने से बचने का मतलब ये ख़जाने में आना, दूसरे लफ्ज़ों यही कहेंगे। अब मैं थोड़ी सी अर्ज़ कर दूँ, मामूली से वो कुछ लिए हैं मैंने इसके PIA के मुताबिक, प्राइवेटाइजेशन जी, प्राइवेटाइजेशन के बाद के उसके कह रहा हूँ कि फिगर्स जो फैक्स एंड फिगर्स हैं इस वक्त PIA की टोटल जो डेफिसिट है 785 अरब रुपए है सालाना, 785 बिलियन नहीं जी टोटल, अच्छा सालाना है जी 112 बिलियन। अच्छा, हर साल आपने देना है PIA चले ना चले, उनके मुलाजमों को आपने तनख्वाहें देनी हैं, उनका मेडिकल देना है, फैसिलिटीज़ देनी है, उनको टिकटें मुफ्त देनी है, उनको तालीम देनी है, सब कुछ देना है। तो अगर आप इनको जल्द अज जल्द प्राइवेटाइज कर देंगे तो दूसरे के हवाले कर दें, अब वो जाने उसका काम जाने कि वो इसको किस तरह एफिशेंटली चला सकता है। जिसका सबूत है हमारे पास, एयर ब्लू है, सर्न एयरवेज है, ये क्यों प्रॉफिट में चल रही हैं जी, इनके पास कौन से गीदड़ सिंह की है, प्राइवेट लोग हैं ना, अब्बासी की है शायद वो एयर ब्लू और सर्न एयरवेज पता नहीं उसकी आगा खान की है या पता नहीं किसकी है, जो दो तीन एयरलाइंस प्रॉफिट पे चल रही है ना, तो PIA क्यों नहीं प्रॉफिट में चलते। इसका मतलब ये है कि हम किसी उनको दे देंगे क्या नाम है, जो प्रोफेशनल्स हैं जो कारोबारी हैं, इसको बतौर कारोबारी के चलाया जाए, इसको बतौर एक सरकारी अदारे के ना चलाया जाए कि आता रहे और खाते रहे, आता रहे और खाते रहे हम लोग उसको, तो हम इसको कारोबार की तरफ चलाएंगे। तो ये 785 बिलियन जो हैं, एक तो ये हमें बच जाएंगे और आइंदा के लिए 115 बिलियन हर महीने हमें देने से बच जाएंगे हम।